thank you अब सही ऑडियो ऑडियो हाँ, अब सही हाँ, हाँ अब ठीक हो गया ना ऑडियो ठीक है चलो चलो ऑडियो हाँ ठीक है तो ऑडियो इज गुड तो वेलकम टू ए सी आई टू एग्जाम स्ट्राटेजी एंड डाउट और काफ़ी सारी आपकी आई बी ए सी आई टू की क्वेरीज रही हैं ठीक है आपकी काफ़ी सारी आ, आई बी एस आई आर टू की क्वेरीज रही हैं काफियों को मैंने सॉल्व करा है चैनल पे अलग अलग वीडियो बनाकर काफ़ी सारी डाउट और क्वेरीज आई हैं जो आई बी का मेरा स्पेसिफिक कोर्स है जिससे आपका ए सी आर टू का एग्जाम क्लियर होगा उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मेरा नाम संजय कुमार सिंह है ठीक है मेरा नाम संजय कुमार सिंह है आप मुझे यहाँ पर देख सकते हैं आई बीन पार्ट ऑफ मैं इससे पहले भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी में रह चुका हूँ और उसके बाद मैंने लेफ्ट आर्मी उसके बाद मैंने आई का एग्जाम क्लियर करा था और एस ए की जॉब ज्वाइन करी थी सो बीन पार्ट ऑफ इंडियन मिलिट्री अकेडमी सी डी एस क्लिया करा था एस एस बी क्लियर करा था और लेटर ऑन जब आर्मी के बाद मैंने यहाँ पर आ, आई बी ज्वाइन करी थी और उसके अलावा मेरी बाकी सारी चीजें हदी हुई है जनरल स्टडीज सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन विद फोकस ऑन डिफरेंट डिफरेंट चीजें एस एस बी पढ़ाता हूं जनरल स्टडीज पढ़ाता हूँ अन अकेडमी के ऊपर ठीक है अगर आपको इंस्टाग्राम ज्वाइन करना है ट्विटर ज्वाइन करना है फेसबुक ज्वाइन करना है और मुझे फॉलो करना है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उससे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल को जहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकू एग्जामिनेशन से रिलेटेड आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर जहां पर मैं बहुत सारा कॉन्टेंट डालता हूँ वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी ओके अब एक सबसे पहली चीज मैं बता दूं जो बहुत ही कॉमन डाउट्स हैं, ठीक है थीके? सबसे पहला है कि भैया आपने कुछ गलत भर दिया है जो फॉर्म आपका जो आपका आई का फॉर्म था जो आपका आई का फॉर्म था विजोज आई बी फॉर्म उसके अंदर आपने ब्लैक की जगह ब्लू पेन से एंट्री भरी मतलब कि फोटो जो डालना था या रोंग एड्रेस डाल दिया है रॉन्ग एंट्री कर दी है सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया है सीरियल नंबर आपने गलत डाल दिया है ठीक है सर्टिफिकेट नंबर गलत डाल दिया है एड्रेस गलत डाल दिया है पेमेंट में आपका इशू है इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी इशू है मैंने कल परसों के सेशन में भी ये बात दोहराई थी आज फिर दोहराता हूँ उसके लिए ये सारे नंबर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट पे डले हुए हैं ठीक है एम एच ए ने इन नंबर को डाल रखा है आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ठीक है काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि सर इस पर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता फोन बसता रहता है भैया इतने सारे कॉल जा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम आएगी बट दे आर रिप्लाइंग बैक ऑन दिस ठीक है ये दो नंबर्स इन्होंने यहाँ पर आपको दिए हुए हैं फी रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए भी नंबर दिया हुआ है और आपको हेल्पलाइन ई मेल आई डी नंबर्स भी दिए हुए हैं इस पर आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो भी आपकी क्वेरी है आप इनसे डायरेक्टली पूछो आप में से बहुत बच्चों ने मुझसे क्वेरी पूछी है कुछ एक सवालों के मेरे पास जवाब थे और कुछ एक के मेरे पास जवाब नहीं होंगे बिकॉज दे ओनली विल क्लियर इट जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट ने मैसेज करा था इसको तो इसके पास क्या था इसके पास डिग्री नंबर नहीं था ठीक है तो उन्होंने लिखा हुआ है कि भैया आप प्रोवेशनल डिग्री नहीं है आपके पास तो भैया आप रोल नंबर मेंशन कर सकते हो सीरियल नंबर या रेफरेंस नंबर या फिर आपका इनरोलमेंट नंबर ये नंबर भी डाल सकते हैं आपके ग्रेजुएशन के लिए ठीक है तो ये उन्होंने रिप्लाई करा हुआ है ठीक है इसी तरीके का अगर आप उनको मेल करोगे तो वो रिप्लाई कर देंगे काफी उसमें लिखा हुआ था कि अगर आपने एप्लीकेशन एक से ज्यादा बार भरी तो कैंसिल हो जाएगी ठीक है ये तब आप पर अगर आपने दूसरी बात उन्होंने ये भी अगर एप्लीकेशन ही आपने गलत भरी है तो भी कैंसिल हो जाएगी अगर आप गलत एप्लीकेशन भर रहे हो तो आपको दोबारा भरना पड़ेगा न्यू आई डी के साथ, साथ दोबारा भरना पड़ेगा तो दीज आर सर्टेन डाउट जो रिलेटेड थे आपके फॉर्म से रिलेटेड क्वेरीज थी जैसे स्पोर्ट्समैन में यस कर दिया है या कंप्यूटर के अंदर तो इसके लिए बेस्ट यही है कि प्लीज गेट इन टच विद पीपल पीपल आर इंपॉर्टेंट ये आपको बता देंगे और अगर फॉर्म में कुछ डिस्क्रिपेंसी है तो आप नया फॉर्म भर दीजिए न्यू आईडी के साथ ओके इज इट पॉसिबल फॉर अग्नर टू कंप्लीट प्रिपरेशन टू एंड क्लियर दी एग्जाम बिल्कुल आईबी का जो एग्जामिनेशन है अब हम एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं देखो सबसे पहले देखो ये सारी चीजें इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीएस और जीएस यहां पर मैं एक चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं बहुत सारे बच्चों को यह लग रहा है कि भैया सिर्फ ये चार सेक्शन है नहीं भैया ये बीस मार्क का है यह बीस मार्क का है यह बी... मतलब बीस क्वेश्चन है क्वेश्चन है और यह बीस क्वेश्चन है आप लोगों ने नोटिफिकेशन लगता है ढंग से पढ़ा नहीं नोटिफिकेशन में उन्होंने अच्छी तरह बताया हुआ है मैं आपको दिखाता हूं ठीक है ये देखो नोटिफिकेशन में उन्होंने बहुत क्लियरली लिखी हुई थी ये बात ठीक है वन एग्जाम ओनली ऑनलाइन मोड हंड्रेड ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज डिवाइडेड इनटू फाइव पार्ट्स ठीक है ट्वेंटी क्वेश्चन तो ठीक है ट्वेंटी 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 और जनरल स्टडीज यानी कि जनरल स्टडीज प्लस जनरल अवेयरनेस के चालीस क्वेश्चन है यानी सौ में से अगर आप देखोगे हंड्रेड में से फोर्टी तो यही हो गए फोर्टी तो जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस के ही हो गए इसीलिए जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस छोड़ के अगर आप जाओगे तो आपकी लुटिया डूब गई और जनरल स्टडीज में क्या आएगा हिस्ट्री आएगी पॉलिटी आएगी जोग्राफी आएगी इकोनमी आएगी ठीक है और करंट uh, अफेयर आएगा जनरल अवेयरनेस में आपकी करंट आ गई जीके वाले टॉपिक आ गए आपके हाइएस्ट बिल्डिंग लोएस्ट बिल्डिंग कुछ अवार्ड वगैरह के बारे में पूछ लिया तो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको जीएस और जीके में कंप्लीट करनी पड़ेंगी ठीक है तो स्ट्रैटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कि आप जीएस और जीके का सेक्शन जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस का सेक्शन कंप्लीट करें ठीक है अगर किसी का जीएस प्लस जीए ये स्ट्रांग है तो 40 क्वेश्चन में स्ट्रांग है उसके बाद इंग्लिश में ला लो प्लस रीजनिंग या फिर आप मिला लो रीजनिंग प्लस मैथ तो भैया आपको बहुत एडवांटेज हो जाएगी अगर जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस आपका वीक है ये एग्जाम नहीं क्लियर होगा आपका क्योंकि 40 क्वेश्चंस की वेटेज है टीयर वन के अंदर इसकी ओके okay? 40 क्वेश्चन इज वेटेज है इसके अंदर इंग्लिश क्वेश्चन की ठीक है सर आई नीड टू टॉक टू एम वेरी कंफ्यूज अबाउट माई प्रिपरेशन भारत प्लीज टेक एडमिशन इन द कोर्स एंड यू कैन टॉक टू मी देन ठीक है सर स्पोर्ट्समैन का क्या स्कोप है ए दे स्पोर्ट्स मैन का अलग से कोई स्कोप नहीं है ऐसे आयु में ठीक है कोई एडवांटेज नहीं है स्पोर्ट्समैन के लिए अलग से सच ठीक है वो आपको आर्मी रेलवेज वगैरह में मिलेंगी आईबी में कुछ ऐसा सच नहीं है क्या आई बी प्रिपरेशन किया तो एस एस सी का भी एस एस सी का जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है ठीक है मैं आपको दिखा देता हूँ एस एस सी का जो प्रिपरेशन है दैट इज अ बिट डिफरेंट उसके अंदर चीजें थोड़ी अलग हो जाती उस देखो एस एस सी के अंदर तुम देखो जो इसका टीयर वन है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग यहां तक तो सेम है ठीक है तो ये सारी चीजें चलेंगी एस एस सी में फोकस इंग्लिश पर एमसीक्यूज पर ज्यादा है बट यहां पर क्या है से बिल्कुल बात अलग हो जाएगी डिस्क्रिप्टिव पेपर आ जाएगा इसमें थर्टी मार्क्स का है जो सिर्फ इंग्लिश में लिखना है एससे आपको इंग्लिश में लिखना है जैसे सीएपीएफ का पेपर टू होता है वह हिंदी में लिख सकते हो ठीक है और एस एस सी का भी जो होता है उसमें हिंदी में लिख सकते हो आप बट इसके अंदर आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा फिर कॉम्प्रीएंशन है प्रेसी राइटिंग है तो ये जो पेपर है थोड़ा बहुत सी ए पी एफ पेपर टू की तरह है सीएपीएफ में भी ऐसे आप हिंदी में लिख सकते हो बट यहां पर ऐसे आपको अंग्रेजी भाषा में ही लिखना होगा अब ऐसा क्यों है क्योंकि जो आई बी का सारा काम है दैट हैपन्स इन इंग्लिश आपको इंग्लिश में रिपोर्ट राइटिंग वगैरह करनी होती है ओके आपको हर चीज इंग्लिश में करनी है वहां पर इसीलिए अंग्रेजी भाषा पर बहुत ज्यादा जोर है इस एग्जाम के अंदर ठीक है और यहाँ पर फिर जो आपका टेयर थ्री के अंदर इंटरव्यू होगा उसमें एक आई बोर्ड बैठेगा आपका आप ऐसे बैठोगे दो से तीन से दो से चार लोग होंगे या दो लोग होंगे दो सीनियर मोस्ट आई होंगे और फिर आपके एक दो आई, आई, बी, आई बी के सीनियर ऑफिसर्स होंगे जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे ओके तो ये बेसिकली स्टेजेस रहेंगी अगर आप एस एस में देखो तो एस में टेयर थ्री है फिर टेयर फोर है जहां पर आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट है कंप्यूटर स्किल टेस्ट के लिए एसे आए बस ये पूछता है कि आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन आपको कंप्यूटर उसने फॉर्म में भी पूछा आता है कि नहीं आता है ठीक है क्योंकि यहां पर टाइपिंग टेस्ट नहीं है यहां पर बेसिकली जो आपका एस है यहां पर आपको रिपोर्ट्स वगैरह बनानी है इंग्लिश पे फोकस है आपका ठीक है तो अब काफी बच्चों ने मुझे पूछा था कि जो एड मैथ्स का एडवांस मैथ है ज्योमेट्री मैं ट्रिग्नोमेट्री एलजेब्रा ये पेपर में आता है कि नहीं ये पेपर में 2010 से 2017 के जो एमसीक्यूज हुए हैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें ये सेक्शन नहीं देखा गया है। जनरली नॉट है, मैथ पर फोकस कम है इस एग्जाम का इस फोकस इस पेपर का मैथ पर फोकस कम है जैसे कि एस में मैथ पर फोकस काफी है यहां पर बस मैथ के बीस क्वेश्चन आएंगे ट्वेंटी क्वेश्चन आएंगे यहां पर जो फोकस है वो जनरल स्टडीज प्लस जीके पर मैं बार बार बोल रहा हूं ये है आपकी कुंजी आपको जीएस जीके इंग्लिश अच्छी करनी पड़ेगी इंग्लिश से आपका स्कोप बढ़ेगा क्योंकि अगर आपने इंग्लिश अच्छी नहीं करी तो आप गारंटी टीयर टू में फेल हो जाएंगे ठीक है इसीलिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए ओके अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आप जो जिसको भी एज रिलैक्सेशन है प्लीज नोट आप नोटिफिकेशन में चेक करिए अन अकेडमी का नवनीत एस सच कोई फोन नंबर नहीं है सर प्लीज टेल हाउ टू कन्वर्ट जीपीए टू परसेंटेज प्लीज इसके लिए भैया गूगल देखो ठीक है वो आपको बताएगा सर इज अन अकेडमी कोर्स इनफ टू गेट थ्रू आई बी एस है और भैया मोर देन इनफ होगा इसके अंदर मैं आपको कोर्स के बारे में बता देता हूं थोड़ा सा ठीक है कि आपको इस कोर्स में कौन लोग पढ़ाने वाले हैं जिससे आपको एक आइडिया लगे कि महारथी है कौन ठीक है आई जस्ट टेल यू हु हु आर आर द पीपल टीचिंग यू दिस कोर्स उससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा और उनके बारे में पता भी लगेगा मैं जरा बताता हूँ ये लोग हैं कौन ठीक है तो जी सबसे पहले तो मैं ही हूं ठीक है मैं हूं सी निकाला है थ्री टाइम्स ठीक है एस एस बी क्राफ्ट यूपीएससी सी डी एस ठीक है, दिव्या गुप्ता मैम, असिस्टेंट कमांडेंट रही हैं है, है, प्रशांत जगताप सर एक्टिव ए सी है ये सीआईएसएफ के अंदर इन्होंने भी असिस्टेंट कमांडेंट का एग्जाम निकाला हुआ है ठीक है ओके अ डॉक्टर आल्सो विशाल सर सिद्धांत सर नित्य हिमांशु श्री प्रतीक सर इन्होंने मल्टीपल टाइम्स यूपीएससी के एग्जाम्स को निकाला हुआ है ठीक है तो ये जो आपकी टॉप क्लास फैकल्टी है जो आपको पढ़ाने वाली है ये कोई एसएससी वाली फैकल्टी नहीं है भैया ये टॉप क्लास फैकल्टी है जो आपको पढ़ा रही है एसएससी एस के जो बाप एग्जाम्स है कौन से एसएससी के ऊपर एग्जाम कौन से इंडिया का टफेस्ट एग्जाम कौन सा यूपीएससी सिविल सर्विसेज सरकारी एग्जाम उसके बाद कौन है सी ए पी एफ सी डी एस 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 बी तो यहां पर भैया आपको सीएससी वाली तो नहीं बट बाकी सी डी एस सी ए पी एफ वाली अच्छी फैकल्टी मिल रही है जिन्होंने आई से डिफिकल्ट एग्जाम्स को भी क्रैक करा हुआ है अभी सी डी एस का रिजल्ट आया अभी का रिजल्ट आया, कितने स्टूडेंट्स ने क्लियर करा है हमारे ठीक है तो ये आपको टॉप क्लास फैकल्टी मिलेगी विशाल सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे प्रशांत सर जो डॉक्टर है ही इज अम बीबीएस डॉक्टर ये पढ़ाएंगे आपको साइंस दिव्या मैम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगी मैं आपको कंप्यूटर करंट अफेयर और जीके पढ़ाऊंगा सिद्धांत सर आप उनको देख सकते हैं इंग्लिश के जाने माने टीचर नितिन राठौड़ सर मैथ और रीजनिंग हिमांशु सर इकोनॉमिक्स और श्री प्रतीक सर जिनकी अव्वल दर्जे की ज्योग्राफी ही कम्स फ्रॉम जेएन इतनी तगड़ी फैकल्टी आपको पढ़ाएगी जो आपको एग्जामिनेशन के लिए गाइड करेगी इसके अंदर आपके प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे ठीक है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है मान लिया आपके पास 45 डेज है 45 डेज में आपको प्रिपरेशन करनी है जहां पर आपका जीएस खत्म हो जनरल अवेयरनेस खत्म हो रीजनिंग खत्म हो मैथ्स खत्म हो इंग्लिश खत्म हो अगर ये नहीं करोगे तो कैसे होगा क्योंकि जो कट ऑफ है वो तुम्हारी प्लस सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव ही जाएगी क्योंकि भैया यहां पर एसएससी की जनता यूपीएससी की जनता सीडीएस की जनता सीएपीएफ की जनता ठीक है और बाकी प्लस बेरोजगारी की जनता सब आने वाली है ठीक है दो हजार वेकेंसी पे गिद्ध की तरह लोग लपक रहे हैं ठीक है गिद्ध होते हैं ना गिद्ध गिद्ध की गिद तरह गिद लोग लपक रहे हैं आप यूट्यूब में जाके बस एसीआर लिख दो भैया भयंकर भयंकर अत्यंत तो भयंकर वीडियो है ये फलाना कोचिंग ढिमकाना इंक्लूडिंग मेरे वीडियोस देख लो भैया ठीक है तो भैया 2000 वैकेंसीज के लिए पागलपन है ठीक है एसएससी के रिजल्ट का आपको पता है डोल है, कभी रिजल्ट आता है, कभी रिजल्ट है। सर फॉर टेरिटोरियल आर्मी यार नौकरी में रहते रहते तो बहुत मुश्किल होगा ठीक है ओके okay. नौकरी में रहते रहते तो टी ए बहुत मुश्किल होगा यू के लीव एंड डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट ठीक है स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज का मतलब है भैया आपका जो जी जितने भी सेक्शन है वो प्रॉपर तरीके से कवर होंगे हर दिन आपकी थ्री टू फाइव क्लासेस होंगी जिसके अंदर आपकी हर एक क्लास डेढ़ घंटे से दो घंटे के बीच के अंदर होगी अगर आपकी कोई लाइव क्लास छूट जाती है तो आप उसका रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं ठीक है समझ आया आपको डेली लाइव क्लासेस होंगी टेस्ट होंगे होंगे मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सिर्फ अन अकेडमी में आकर एडमिशन लेना है बट अगर आपको खुद भी तैयारी करनी है भैया चालीस पैंतालीस दिन है आई का पेपर होने वाला है थर्ड वीक ऑफ फेबर के अंदर ठीक है थर्ड वीक ऑफ फेबर में होने वाला है यानी कि 15 तारीख से लेकर 21 तारीख ट्वेंटी फर्स्ट फेब्ररी के बीच में होगा ये ठीक है 2021 ठीक है अब ये पांच दिन क्यों चलेगा क्योंकि ये जो एग्जाम है बताया जा रहा है कि एक दिन के अंदर तीन शिफ्ट में कराया जाएगा क्योंकि इतनी एप्लीकेशन आ रही हैं इसके अंदर क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है कंप्यूटर लिमिटेड है नंबर ऑफ एस्परेंट ज्यादा है तो उनको बैच बाय बैच बुलाया जाएगा ठीक है उसके बाद जो स्टूडेंट क्लियर होंगे उनको टीयर टू के लिए बुलाया जाएगा फिर टीयर थ्री इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा यानी कि जो आपके जो टीयर वन होगा टीयर वन से बीस हजार बच्चों को

और सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होते हैं वो होते हैं टीयर टू के अंदर ही टीयर टू में ही सबसे ज्यादा बच्चे फेल होंगे क्योंकि वो पूरा टेस्ट इंग्लिश का है और भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे स्टूडेंट्स की कि इंग्लिश में ही दिक्कत आती है इसीलिए टीयर वन के अंदर आपको दोनों टीचर मिलेंगे एक जीएस का टीचर मिलेगा यानी कि मैं और एक इंग्लिश का टीचर मिलेंगे यानी सिद्धांत सर यानी कि जिससे आपका एस में इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी टाइप के टॉपिक्स भी कंप्लीट हो सके ओके okay? मेडिकल का जो सेशन है मेडिकल का सेशन कल लूंगा कल मेडिकल का सेशन आ रहा है ठीक है मेडिकल का जो सेशन है मेडिकल सेशन इज कमिंग टुमारो। मेडिकल टुमारो कल मेडिकल का सेशन लेंगे आपको मेडिकल का सेशन मिल जाएगा मैं एक डॉक्टर से ही मेडिकल का सेशन करा रहा हूं आपको कल मेडिकल का सेशन मिल जाएगा ओके हाइट फिजिकल मैं आपको कल बताऊंगा टैटू ऐसा एज सच कोई इश्यू नहीं है टेयर टू टेयर थ्री जो आपका प्रॉपर इंटरव्यू होता है आईपीएस बोर्ड लेता है तो जो टेयर टू के अंदर इंटरव्यू के अंदर आपसे इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने आपकी ग्रेजुएशन करंट अफेयर वगैरह पे क्वेश्चन रहेंगे ओके सर सीडीएस ट्वेंटी ट्वेंटी सेम टाइम प्रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हो अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लोगे तो आपको सीडीएस और सीएपीएफ एडमिशन फ्री में मिलेगा सर प्रीवियस पेपर सेंड कर देना भैया मैं कैसे सेंड कर दूंगा नीचे टेलीग्राम ग्रुप चैनल का लिंक है उसमें जाओ उसमें सारे के सारे पड़े हुए हैं ठीक है मैं तुम्हें कोई पर्सनली थोड़ी सेंड करूंगा ठीक है वो चैनल के नीचे लिंक है उसके अंदर चैनल के लिंक पर जाओ वहां पर सारे पड़े हुए हैं ले लो वहां से जाकर कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैं कल बात करूंगा मेडिकल सेशन में आई मैं इंटर, इंटर... इंटरनेशनल शूटर हो आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप स्पोर्ट पर्सन के अंदर गेस कर सकते हो हॉलिडे कितनी मिलती है छुट्टी वही मिलती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय को छुट्टी है उतनी है पर जितनी मुश्किल छुट्टी सी और आर्मी में लेना होता है उतनी मुश्किल नहीं है आई बी में छुट्टी रिलेटिवली आपको ईजिली मिल जाएगी ठीक है इसमें छुट्टी आपको इजिली मिल जाएगी ओके जॉब प्रोफाइल फॉर गर्ल्स इन एसआई लड़कियों के लिए आई बी बहुत अच्छी जॉब है मेरे साथ काफी सारी लड़कियां थी मैंने अर्लियर ऑल्सो एफ टोल्ड लड़कियों के लिए बहुत अच्छा प्रोफाइल है एक तो आपको मेट्रो सिटीज में पोस्टिंग मिलेगी ठीक है अच्छी सी टीयर वन सिटीज़ में पोस्टिंग मिलेगी और अगर आप चाहते हो कि आप ऑपरेशन में भी जाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो बट आई के अंदर आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी ठीक है और अच्छे ग्रोथ के मौके मिलेंगे आई बहुत ही जेंडर पैरिटी जेंडर इक्वालिटी काफ़ी अच्छी है आई विल डेफिनेटली रिकमेंड लड़कियों को ज्वाइन करने के लिए आपको बहुत लड़कियां मिलेंगी मेरे बैच में भी काफ़ी सारी लड़कियां थी जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम की वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आईबी में रिलेटिवली वर्क प्रेशर रिलेटिवली इज लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें काफ़ी कम है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी कम है तो इसलिए आपको पढ़ने का काफ़ी अच्छा मौका मिलेगा और स्टार्टिंग में जब आपकी हार्ड पोस्टिंग्स आती है रिमोट पोस्टिंग जम्मू और कश्मीर हो गया लेह लद्दाख काफ़ी जगहों पे यू विल गेट डिसेंट चांसेस टू स्टडी तो अगर आप बैलेंस कर सकते हो तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो सकती है और मेरे साथ में भी मेरे काफ़ी सारे कोर्समेट्स थे जिन्होंने आई के थ्रू ही आई में रहते रहते दस असिस्टेंट कमांडेंट निकले CPF का एग्जाम निकाला उन्होंने और तीन से चार आई एस आई भी बने तो इट विल डिपेंड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बट अगर आप पढ़ना चाहते हो तो काफी अच्छे चांस होंगे ठीक है कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैं कल एक मेडिकल सेशन लूंगा उसमें आपको बताऊंगा पावर ऑफ आई बी ऑफिसर देखो आई बी ऑफिसर जो है वो कर्टेन के पीछे काम करता है आप ऐसा नहीं अपना आई कार्ड दिखा के रोड पे घूमते हो बट आपकी समाज के अंदर और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत रिस्पेक्ट होगी इवन इन सिविल सर्विसेज एवरी वन विल लिसन टू यू एवरी वन विल ट्राई टू कम एंड हेल्प यू आउट बट अगर आप सोच रहे हो कि आप ऐसे कट्टा लेकर घूमोगे या मिर्जापुर वाली गुंडागर्दी सोच रहे हो तो वैसा कुछ नहीं है ठीक है दिस इज वेरी डिफरेंट दे वर्क बिहाइंड आईज एन ईयर ऑफ द गवर्नमेंट ठीक है आपकी इंफॉर्मेशन पे रिलाई करा जाएगा एंड यू विल स्ट्रेट अवे वर्क विद दी सीनियर मोस्ट आई ऑफिसर्स के साथ आप काम करोगे ओके आई बीज अ गुड ऑप्शन अगर आप 26 साल के हो तो फिर आप देखो आपके डिफेंस के तो सारे ऑप्शन ख़त्म हो चुके हैं तो आपके पास तो सिर्फ आ, अगर आपके पास कैटेगरी नहीं है रिजर्वेशन नहीं है तो फिर यू ओनली हैव सिविल सर्विसेज तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन आप इसमें जाके आगे चल के मतलब अच्छी ग्रोथ होगी आपकी और आई का काफ़ी आगे चल के एक्सपेंशन भी होने की बात चल रही है हो ही रहा है ठीक है तो काफ़ी ग्रोथ के चांसेज है अगर आप ऑपरेशन काम आपको पता है काम करने का बहुत मन करता है आपका यहाँ पर आप जम्मू और कश्मीर में काम करने चाहते हो तो दिस वुड बी वेरी गुड मतलब ये वाला जो आईबी का काम है ये आपके जैसे एस जो आईबी की भर्ती आपकी एसएससी के थ्रू होती है वो तो बाबूगिरी वाला काम है बाबू की तरफ फाइल वाला काम होता है ये वाले जो बंदे होते हैं तो ग्राउंड पे रहेंगे आपको ऑपरेशन से मजा आएगा सीनियर मोस्ट आईपीएस पी आई ऑफिसर से मिलेंगे लाइजनिंग होगी जैसे आज की डेट में जो मेरे कोस्टमेट्स आई में दे आर सम ऑफ देम आर इन कोर ऑपरेशन में है मतलब कोर ऑपरेशन आप समझ लीजिए कि जैसे आपने फैमिली मैन वाला सीरियल था जैसे वो कोर ऑपरेशन है ऐसे डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनमें सारे काम होते हैं ओके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स अच्छे हैं ठीक है आ, दो साल की सर्विस के बाद आप एफ सकते हो दो साल की सर्विस के बाद आप जा सकते हो एफ के लिए जिसको बोलते हैं फास्ट ट्रैक प्रमोशन और अगर आप वो एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो जो प्रमोशन पांच साल में होनी है वो आपकी दो साल में ही हो जाएगी दो से तीन साल में हो जाएगी अदरवाइज पांच साल में ए सी और दस साल में आप डीसी आयो पहुंचते हो तो कुछ इस तरीके का होता है इनका एसे आयो टू से एसे आयो वन फिर डीसी आयो फिर डी फिर डी तो जनरली अगर कोई ट्वेंटी फाइव ईयर्स के नीचे ज्वाइन कर लेता है पच्चीस साल के नीचे तो उसके अच्छे चांस होते हैं डी तक पहुंचने के और अभी यही बात करी जा रही है कि धीरे धीरे आईपीएस को उनके बेसिक स्टेट कैडर में वापस भेजा जाए

मैं आप सबसे बोलूंगा कि अगर आप एडमिशन लेने की सोच रहे हैं छह महीने वाला कोर्स लीजिए क्यों क्योंकि भैया आपको करनी है टीयर वन की तैयारी फिर टीयर टू की तैयारी और फिर टीयर थ्री की तैयारी टीयर वन और टीयर टू को तीन से छह महीने के अंदर होगा अगर तुमने तीन महीने वाला ले लिया फिर से इसको रिफ्रेश कराना पड़ेगा उसमें तुम्हारे भी पैसे ज्यादा लगेंगे काफी बच्चे एक महीने वाला सोच रहे हैं एक महीने में तो एक महीने से तो लंबा कोर्स ही है आपका ठीक है और ध्यान में रखना अगर इसको ले रहे हो तो रेफरल कोड यूज करना संजय टू एस ए एन जे ए वाई टी डब्ल्यू ओ इससे क्या होगा इससे आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा इस पैसे के ऊपर चार हजार रुपए पर चार सौ रुपए का डिस्काउंट मिलेगा ठीक है सात हजार दो सौ रुपए पर आपको सात सौ बीस रुपए का डिस्काउंट मिलेगा ठीक है और अगर आप अन अकेडमी का ऐप यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ गोल्ड कॉइन होते हैं जो वीडियो देखकर इकट्ठे होते हैं उससे भी आपको दस परसेंट का डिस्काउंट मिल जाएगा ठीक है तो काइंडली यूज देम ठीक है इससे आपको बहुत फायदा होगा ठीक है सो अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू कि भैया आप फटाफट एनरोल करिए क्योंकि दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि 40-45 दिन का टाइम है आपके पास या अगर आप खुद तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सॉटेड तरीके से चलिए क्योंकि यहाँ पर जी और जी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले ही है मैंने आपको पहले ही दिखा दिया चालीस क्वेश्चन आने हैं जीएस और जी से फोर्टी क्वेश्चन उसके ऊपर भी पूरा गेम बन रहा है ठीक है तो अगर 40 क्वेश्चन आपके गड़बड़ हो गए तो फिर आप में सिर्फ किस पे रह जाओगे मैथ रीजनिंग और इंग्लिश के ऊपर ठीक है दिस इज ओनली सिक्सटी क्वेश्चन इनमें कुछ भी हुई ऊपर मेरिट जो है आपकी वो प्लस सिक्सटी के ऊपर कटेगी भैया दुनिया भर की जनता इस पेपर को दे रही है एस एस सी की जनता जो ही त्राही माम, त्राहीमाम कर रही है रिजल्ट के लिए वैकेंसीज़ के लिए सी डी एस की जनता सी ए पी एफ सिविल सर्विसेज़ इस साल सीए पी एफ की कितनी सीटें आई थी दो सौ सीटें आई थी भैया बस दो और आई बी में कितनी वैकेंसीज आई हैं दो हजार ठीक है तो ये आपका गोल्डन चांस है भैया बहुत तगड़ी ग्रोथ होगी आपकी और सरकारी नौकरी आ रही है से फट से लपक लो ठीक है आज जब जैसी आप ट्रेनिंग में पी पीरियड में बचोगे ट्रेनिंग में आपको मिलते हैं कुछ पैंसठ हजार से सत्तर हजार ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको ठीक है ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आपको मिलेंगे सिक्सटी फाइव थाउजेंड के आसपास टू के और उसके बाद जैसी नौकरी के अंदर आपकी किसी स्टेट में पोस्टिंग आ जाएगी तो प्लस एट्टी टू नाइन के बीच में तो आज आप अपने या चार हजार एक लाख के पास आपकी सैलरी होगी तो आप जरा फ्यूचर का सोचो लंबा सोचो आप ठीक है थिंक लॉन्ग टर्म यार यू हैव टू थिंक लॉन्ग टर्म छोटा मत सोचो आप अगर खुद नहीं पढ़ पा रहे हो तो प्लीज करो और स्ट्रैटेजी से पढ़ो नहीं तो ये एग्जाम नहीं निकलेगा accuracy, right method, 40 -45 it, निकलते हो जाएगा, एक घंटे में आपकी करेक्ट तो आपको कम से कम नहीं तो दस मॉक टेस्ट तो लगाने ही लगानी चाहिए इसके दस मॉक टेस्ट प्लस प्रिपरेशन के साथ दो से तीन बार रिविजन तब निकलेगा और इसीलिए रात भर पढ़ना पड़ेगा भैया इसके लिए ओके आईबी में जुगाड़ नहीं चलता भैया आईबी में कोई जुगाड़ नहीं चलता आईबी में ना करप्शन है आईबी में ना जुगाड़ है कुछ भी नहीं है ओके okay. कोई जुगाड़ उगाड़ नहीं चलेगा आईबी के अंदर आपका ठीक है आईबी में आपका कोई जुगाड़ नहीं चलेगा नहीं आन अकेडमी के जो प्लस मेंबर्स हैं अगर आन अकेडमी की डिफेंस कैटेगरी अगर डिफेंस कैटेगरी के आप ऑलरेडी मेंबर हो अगर आप डिफेंस कैटेगरी के ऑलरेडी मेंबर हो तो आपको इसकी सब्सक्रिप्शन के कोई पैसे नहीं देने हैं ठीक है आपको कोई पैसे नहीं देने हैं इस आई के की एग्जाम के साथ हम आपकी सी की तैयारी सी की तैयारी एफकेट की तैयारी फ्री में करवाएंगे एक एग्जामिनेशन के पैसे दोगे तुम चार की तैयारी करवाएंगे हम ठीक है तुम सिर्फ दोगे आईबी के पैसे उसके बाद भैया असिस्टेंट कमांडेंट की दरबारी लेफ्टिनेंट की तैयारी ठीक है उसके बाद एयरफोर्स अफसर की तैयारी वो सारी बेसिकली इंटरव्यूज होंगे जो अलग अलग सेंटर्स पढ़ाई सर फ्री कॉस्ट पे नहीं हो पाएगा भाई ठीक है सर बैंकिंग पैटर्न आता है थोड़ा बहुत शालू बट थोड़ा सा अलग है क्योंकि यहां पर इंग्लिश पे ज्यादा फोकस है एस से ज्यादा मिलता हुआ बट एस में एस को तुम हिंदी में भी लग सकते हो सर आ, फ्री में ट्रैवल नहीं हो पाएगा भैया आपको आ, अच्छी खासी वो आ, 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 आपको सेकेंड क्लास की टिकट देंगे भैया आई भी आपको सेकेंड क्लास की टिकट देगी चिंता मत करिए ठीक है और फ्लाइट के अंदर भी अगर जब आप फ्लाइट में भी उड़ेंगे उसके अंदर भी आपको डिस्काउंट देगी आपको फ्री में क्यों भैया वो आपको देंगी टिकट करवाएगी आपकी आई भी क्यों चिंता कर रहे हो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑफ टेयर वन इज प्लस सिक्सटी टू सिक्सटी फाइव साठ से पैंसठ स्टैमरिंग इज नॉट सो मच ऑफ एन इश्यू ठीक है बाकी मैं मेडिकल कल देखूंगा सर मीन रिजल्ट कभी आएगा रिजल्ट आपका देखो जो टोटल रिजल्ट से ज्वाइनिंग में है एक साल का लगेगा अगर इस पर एग्जाम दे रहे हो तो आप लगा लीजिए एंड ऑफ ईयर तक आपकी टोटल uh, सारा प्रोसेस खत्म हो जाना चाहिए सर आई टूक ट्वेल्व सब्सक्रिप्शन नो हाउ इज इट वेस्टेड बिकॉज कंटिन्यूअसली आपकी इंटरव्यू की तैयारी होगी स्तुति हिंदू का कोर्स चलेगा आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन यू और कीप ऑन गोइंग बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस यू विल ऑल्सो नीड कि भैया इंटरव्यू के अंदर आपके करंट अफेयर्स अच्छे तो इट इज नॉट एट ऑल वेस्टेड डोंट वरी जीएस की प्रिपरेशन के बारे में विनीता मैंने आपको बताया ही जीएस की प्रिपरेशन के लिए देखो यार जीएस की प्रिपरेशन के लिए हिस्ट्री पॉलिटी जोग्राफी इकॉनमी वगैरह तो सब है ही बट यहाँ पर आप देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है आई जस्ट मैं आपको एक बार दिखाता हूँ किस टाइप के हिस्ट्री जोग्राफी के मैंने एक पिछले सेशन में भी दिखाया था उन लोगों को ठीक है एक बार दिखा ये देखो देखो यहां पर हु अमंग द फॉलोइंग इज विटनेस द राइन्स ऑफ एट डेही सुल्तान फैक्चुअल क्वेश्चन ऑफ इंडिया रेफर्ड अयोध्या इशू ये दो हजार सत्रह का पेपर है ठीक है <laughs> उसके बाद हुआ फॉलोइंग एज अव्वर मेडल इन जेवलिन थ्रो तो दीज आर वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से ज्यादा कवरेज हो हमने को मैंने भी इसी तरीके से design करा है कि जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इस पेपर में मैं वो आपको करवाए जाए तो इसीलिए जीएस जीके के लिए आपको जीके भी कंप्लीट करनी पड़ेगी प्लस जीएस जैसे जैसे जनरल स्टडीज के अंदर हो गया आपका हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी भले ही भैया उसे दो क्वेश्चन है या तीन क्वेश्चन है आपको करना तो पड़ेगा ही क्योंकि 40 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज और जनरल अवेयरनेस पर ही बेस्ड हैं इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा मैथ के अगर मैं आपको ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन दिखाऊं चलो मैथ पर चलते हैं मैथ के अंदर अगर आप दिखाओ तो मैथ के अंदर भैया टू रैबिट के ऊपर क्वेश्चन है स्पीड के ऊपर ठीक है फोर्टी मीटर ऑफ स्पीड ऑफ एम्बुलेंस रिलेटिव वेलोसिटी पे हो गया ठीक है उसके बाद सुरेश स्टार्टेड फ्रॉम पी टू तो क्यू सेम डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फुट उसके बाद भैया कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर सिंपल इंटरेस्ट इस पर क्वेश्चन तो बेसिकली आर्थमेटिक वाले क्वेश्चन है रेशियो वाले क्वेश्चन हैं आपके बट वो क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलते हैं एडवांस मैथ की ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन नहीं है रीजनिंग में भी नॉन वर्बल रीजनिंग वाले क्वेश्चन हमें मिलते हैं यहाँ पर आई एल जस्ट दिखाता हूँ मैं आपको ये देखो ये देखो फाइंड द नंबर ऑफ इन गिवन फिगर तो दीज आर वेरी क्वेश्चन रीजनिंग और मैथ्स रिलेटिवली है बट वही होता है कि जीएस के अंदर तो फैक्ट ज़्यादा से ज्यादा पढ़ो उतनी ज्यादा एडवांटेज होगी जितना एरिया कवर करोगे उतना आपको फायदा होगा अब तुम टेयर और इंग्लिश में देखो तुम आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर सतीश ए सीटेड तो भैया इंग्लिश के भी बीस क्वेश्चन है तो यार इंग्लिश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एग्जामिनेशन अब देखोगे तो इंग्लिश पर कुछ ज्यादा फोकस है पेपर का बीस क्वेश्चन इंग्लिश के ये टीयर वन में पूछ रहा है ठीक है टीयर वन में इंग्लिश का पूछ रहा है और टीयर टू तो भैया पूरा ही इंग्लिश का है क्योंकि आईबी का जो सारा आगे चलकर काम होगा वो भी इंग्लिश में ही होगा रिपोर्ट्स जो आपको लिखनी पड़ेंगी वो भी इंग्लिश में ही होंगी ठीक है तो ये देखो टीयर थ्री का पेपर देखो तुम ठीक है टीयर थ्री के अंदर देखो अब इसके अंदर भैया अगर न्यूज नहीं पढ़ा है तो कहां से लिखोगे ये तुम्हारा दो का एग्जाम है आई का सोशल मीडिया बून बेन फॉर सिक्योरिटी एजेंसी अब भैया सोशल मीडिया आपको सिक्योरिटी एजेंसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है आईबी के पॉइंट ऑफ व्यू से आर्म्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये उनकी सहायता करता है कि नहीं करता है किस तरीके से सोशल मीडिया का रेलेवेंस है अब 2017 क्यों है क्योंकि 2017 के अंदर भैया बुरहन वानी का केस बहुत फेमस हुआ था ठीक है उसके बाद सेकेंड कह रहे हैं डू यू अग्री द नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर विल बी फॉट ओवर वॉटर अनलेस द चेंज जस्टिफाई मैरिड कंटेंशन इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग डिस्कस इन द ऑफ इंडियन सोसाइटी भैया ये भयंकर एससी के टॉपिक है इनको ऐसे आप मामूली मत समझिए इनके लिए पढ़ना पड़ेगा इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा इसके लिए हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा आपको मेरे कोर्स के साथ मैं फ्री में द हिंदू पढ़ाऊंगा द हिंदू भी आपको रोज पढ़ाऊंगा मैं आईबी के कोर्स के अलावा चाहिए टीयर टू क्लियर हो ये होगा ही नहीं आपका ऐसे क्लियर और ये भैया इंग्लिश में लिखना है This is only in English. ये देख लो पढ़ लो ओनली ओनली इन इंग्लिश है ये यू कैनॉट राइट दिस एस से थर्टी मार्क्स का है ये ज्यादातर बच्चे आई बी वाले ऐसे पेपर फाड़ देते हैं ठीक है ये आंखों के सामने देखा है जब मैं अंदर था और जब आगे की जॉब हैं ना एकदम खराब ग्रमा ऐसे पेपर फाड़ते हैं और ऐसे कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं ठीक है जब आपके अंदर चेकिंग होती है पेटीआर टू की तो ऐसे पेपर फाड़ते हैं जैसे वो देखते हैं बेकार लिखा है या कुछ ढंग से नहीं लिखा भैया इसके लिए नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ेगी आपको बहुत जरूरी है ये होगा ही नहीं ऐसे आप देख लो 2017 का ये 2010 हजार दस में ऐसी इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी पे पूछा है उन्होंने ओके इंटरव्यू आपका हिंदी में हो सकता है जो आपका इंटरव्यू है वो हिंदी में हो सकता है बट ये तो इंग्लिश में ही होगा

राइटिंग करनी है ठीक है इसके लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी इस एग्जाम के लिए समझ आया ओके चलो अभी मैं ठीक है दरवाजा कोई खड़खड़ा रहा है दरवाजा खोलकर आ रहा हूं मैं दो मिनट दो मेरे को ठीक है, पढ़ा आप लोगों ने ये। ओके अब क्या कह रहे हो कौन से मंथ के करंट अफेयर कम से कम छः महीने के करंट अफेयर तो कर ही लेना हाउ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन डेन आईवी सब यूनिवर्सिटी स्टॉप शोइंग कैंडिडेट इंग डिटेल वेबसाइट सो डू फिजिकल हाँ जेनली ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं और कई बार फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेंगे बट वेरिफिकेशन की स्टेज फाइनल रिजल्ट के बाद होगी आपकी फाइनल रिजल्ट वेरिफिकेशन मेडिकल ठीक है ऐसे होगा आपका ठीक है मिनट ठीक है फाइनल रिजल्ट जैसे टीयर थ्री हुआ, हुआ फाइनल रिजल्ट आया रिजल्ट के बाद आपकी वेरिफिकेशन हो गई प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल हो गया मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी ठीक है जिसके अंदर शिवपुरी में ट्रेनिंग है आपकी फिर दिल्ली में ट्रेनिंग है आपकी ठीक है फिर अलग अलग माउंटेनियरिंग और अदर अदर कोर्सेज भी है ठीक है आपके ओके एग्जाम टी कंडक्ट करवाने वाला है इस बार तो तो कोई चेंज हो सकता है देखो एग्जाम कोई भी ऑफलाइन मतलब कोई भी करवाए एग्जाम का पैटर्न फिक्स करा हुआ है ठीक है कि वो मैंने आपने देखा ही है कि एग्जाम का पैटर्न नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ है तो वो उतना चेंज नहीं है वो तो फिक्स्ड है ठीक है अब ऑलरेडी आंसर कपिल आपका क्वेश्चन ठीक है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स स्टूडेंट नॉट अप्लाई ओनली जिनके पास डिग्री है या जिनकी फाइनल ईयर की मार्कशीट्स आ गई है वही स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं ठीक है मेडिकल में क्या होता है कल मैं एक मेडिकल का सेशन लेने वाला हूं जिसके अंदर मैं आपका प्रॉपर मेडिकल भी डिस्कस करूंगा शुभाग्य गोस्वामी मैंने तुम्हारा क्वेश्चन आंसर कर दिया है सर कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है बिल्कुल बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस का आपका बुक वाला टेस्ट होता है ठीक है कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर मेडिकल के ऊपर फिजिकल के ऊपर हाइट के ऊपर वेट के ऊपर पैर के ऊपर नौकनी के ऊपर फुट uh, के ऊपर इसके ऊपर मैं कल सेशन लूंगा आपको बता दूंगा डोंट वरी प्लीज यार कल लूंगा इसपे ऊपर सेशन ठीक है डोंट वरी ओके सर आईसीएल आईसीएल क्या लिखा एक्सपेक्टेड प्री एग्जाम डेट एग्जाम की जो डेट है वो आपकी बताई जा रही है थर्ड वीक ऑफ फेबररी में थर्ड वीक ऑफ फेब्रवरी के अंदर आपकी डेट बताई जा रही है थर्ड वीक ऑफ फेब्ररी पंद्रह तारीख से लेकर इक्कीस तारीख के बीच में आपके एग्जाम्स को कंडक्ट करा जाएगा तीन से चार दिन के अंदर okay. नहीं नहीं श्री, श्रीतम कुमार नेगी जो आपने नंबर डाला वो चल जाएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई ठीक है इट विल नॉट अ प्रॉब्लम टेयर टू ऑफलाइन होगा टेयर टू तो आपका ऑफलाइन ही होगा टेयर वन ऑनलाइन है बट टेयर टू जो अभी तक पता लगा है वो ऑफलाइन ही कराया जाएगा क्योंकि उसमें लिखना है ठीक है जो अभी पता लगा है सर आई एम फ्रॉम उड़ीसा so, सो टेयर थ्री एग्जाम उड़ीसा में ही टेयर थ्री आपका बेसिकली आसपास के आईबी के, के जो सेंटर्स सेंट से, वहां पर इंटरव्यू में बुला लिया जाएगा आपको या फिर अगर कहीं मतलब आपके शहर से आसपास बुला लिया जाएगा डिपेंड करेगा कि आई क्या करता है ठीक है यह भी हो सकता है कि आपका टेयर टू और टेयर थ्री कंडक्ट कराया जाए साथ में बट दिस ओनली टाइम विल टेल लीव यार देखो लीव आपको जो सरकारी नौकरी में लीव मिलती है जो आपको ई मिलती है कैजुअल लीव मिलती है ठीक है वो सा, और आपकी हाफ ईयर लीव्स मिलती हैं जितनी एक सरकारी नौकरी में एक एसएससी के बंदे को मिलती है उतनी ही आपको भी मिलेंगी और आईबी में लीव लेने में इतनी दिक्कत नहीं है जितनी सीआरपीएफ में होती है या असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी में होती है या सी की नौकरी में होती है या डिफेंस की नौकरी में होती है लीव में इतनी दिक्कत आपको नहीं होगी ठीक है कैन यू प्लीज टेल अबाउट द कोर्स कोर्स के बारे में मैं बता चुका हूं आप प्लीज पीछे जाकर सुन लीजिए इसी क्लास में मैंने बता दिया है इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स रहेंगे आपके ठीक है ओके okay. ठीक है ओके इंडिया के टॉप एजुकेटर्स रहेंगे आपके जो आपको पूरा का पूरा जी एस स्टडीज जनरल अवेयरनेस और मैथ रीजनिंग इंग्लिश सब पढ़ाया जाएगा आपको देखो यार ओबीसी के एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आप ज्यादा डिफरेंस मत सोचो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ठीक है अगर आपको लग रहा है कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस आने वाला है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं यहां से आपको आइडिया लगेगा ये पढ़ो आप ठीक है, जस्ट रीड दिस पढ़ो ये वाली लाइन पढ़ो ठीक है दिख रहा है ना आप लोगों को हाँ इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन ठीक है एक बेसिक कट ऑफ रखी हुई है इन्होंने जनरल की रखी है थर्टी फाइव टीयर वन की बात कर रहा हूं मैं टीयर वन की ठीक है जनरल की इन्होंने रखी है थर्टी फाइव थर्टी फाइव उसके बाद उसके बाद इन्होंने रखी है ओ बी सी ओ बी सी और ई डब्ल्यू एस की रखी है थर्टी फोर एस सी एस टी की रखी है एस सी एस सी एस टी की थर्टी थ्री ठीक है ओके okay. ठीक है तो ये आपकी रखी हुई तो आप है जनरल थर्टी फाइव ओ की थर्टी फोर और एस सी एस टी की थर्टी थ्री तो ज्यादा आप डिफरेंस मत सोचिए ठीक है तो इसी से वैसे भी ओबीसी और जनरल की कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस ज़्यादा जाता नहीं है ओके ओकेशी आपको वो बाद में पूछ सकते हैं इसके बारे के देखो फॉर्म में इन्होंने कुछ ऐसा मेंशन नहीं करा है लेटर और ऑन वेरिफिकेशन स्टेज पर बता देना शादीशुदा लोग नहीं सर शादीशुदा लोगों को तकलीफ होगी क्या नहीं नहीं भैया कोई तकलीफ नहीं होगी इट्स अ वेरी गुड जॉब बहुत सारे मैरिड लोगों ने मेरे साथ में ज्वाइन करा था उनकी लाइफ काफ़ी अच्छी चली बल्कि आई में आने के बाद उनको और ज़्यादा बेनिफिट्स हुए सर विल इट बी एक्सेप्टेबल इफ़ यू टूक ओन ओ सर्टिफिकेट ऑफ ओल्डर देन ईयर आई डेंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन सर फाइनल रिजल्ट की कितने टाइम के बाद ज्वाइनिंग हो जाती है फाइनल अच्छा फाइनल रिजल्ट के बाद फाइनल रिजल्ट मान लिया जाए कर आपका जून में आता है ठीक है तो आप लगा लीजिए छः महीने से एक साल के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगी ठीक है छह महीने से एक साल के अंदर क्योंकि वेरिफिकेशन होगी और डिपेंड करेगा आपकी रैंक क्या आई है मान लीजिए आपकी रैंक आई है दस रैंक पंद्रह रैंक बीस या टॉप हंड्रेड में आप तो आपकी ज्वाइनिंग होगी क्योंकि रैंक वाइज बच्चों को बुलाएंगे ठीक बुला है जैसे पहले फिफ्टी बुला लिए फिर नेक्स्ट फिफ्टी बुलाए फिर नेक्स्ट हंड्रेड बुलाए नेक्स्ट टू हंड्रेड बुलाए तो डिपेंडिंग अपॉन उस बेसिस पर ये बच्चों को बुलाया जाएगा तो जिसकी जितनी हायर रैंक है उसकी उतनी जल्दी ज्वाइनिंग आएगी ओके यार मैंने बता दिया है टेर वन कब होगा टेयर टू भैया इसके टेयर वन के बाद ही हो जाना चाहिए ठीक है एक डेढ़ महीने के अंदर ओके अनआर्म्ड कॉम्बैट स्टॉट इन आई बी नहीं यार ये लेटर ऑन ट्रेनिंग के अंदर है वहां पर नहीं है वहां पर आपकी बेसिक आ, जो ट्रेनिंग है उसके अंदर आपको जो ट्रेड क्राफ्ट से रिलेटेड ट्रेनिंग है आपकी वेपन से रिलेटेड ट्रेनिंग है वो सारी चीजें दी जाएंगी सर वॉट देर रियली सी इन इंटरव्यू देर रियली सी इन दी इंटरव्यू दिक्स मोस्टली दैट आर यू इंटेलिजेंट इनफ टू गेट गैदर दी इन्फॉर्मेशन आप में नैक है आप भूंदू कुमार तो नहीं हो ठीक है क्योंकि ये आई के अंदर काम वेपन से नहीं इंटेलिजेंस के बेसिस पे करा जाता है ठीक है क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है और इन्फॉर्मेशन रिटीव आप डंडे के ज़ोर पर नहीं करते हो दिमाग के ज़ोर पर करते हो ठीक है अगर आपने कोई भी अच्छी इंटेलिजेंस रिलेटेड मूवी देखी होगी तो उसमें देखना वो अपने दिमाग का बहुत यूज करता है मतलब एकता था, टाइगर और बॉलीवुड ने तो बहुत ही कचरा बना रखा है वैसा मत देखिए मैं आपको एक अच्छी चीज बताता हूं जिसको भी देखना है कि आई की रियल लाइफ क्या है इफ यू गाइज रियली वॉन्ट टू नो कि भैया आई की रियल लाइफ क्या है हमें वो बताओ सर आई में रियालिटी के अंदर क्या होता है वी वॉन्ट टू नो ठीक है तो मैं आपसे बोलूंगा कि मेरा ये वीडियो है ठीक है इसी चैनल के अंदर मेरा यह वीडियो है जिसके अंदर आपको एग्जैक्टली exactly पता लगेगा सीक्रेट लाइफ ऑफ इंटेलिजेंस आईबी एसआईओ रॉ कैसे क्या रिक्वायरमेंट है एक आईबी ऑफिसर की ठीक है क्या रिक्वायरमेंट है एक रॉ ऑफिसर की रिसर्च क्या रिक्वायरमेंट है एक एसआईओ की क्या रिक्वायरमेंट है एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की आपको एग्जैक्ट पता लगेगा किस तरीके से वो काम करता है ठीक है ये वीडियो मेरे इस चैनल के ऊपर है इसे आराम से देखिए आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आई से रिलेटेड कि आपका काम क्या होगा ठीक है आई बहुत ही अच्छी नौकरी है बहुत ही अच्छी तनख्वाह है इसके अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इसके अंदर ठीक है काफी लोग पूछ रहे थे कि और कि अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि भैया कि ये जॉब टेम्पररी है कि परमानेंट ये भी मैंने एक सेशन लिया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं सैलरी और पर्क्स क्या है बहुत सैलरी के साथ और क्या क्या बेनिफिट्स हैं आईबी में ये वीडियो भी मैंने करा हुआ है सो यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑल्सो सिमिलरली सर्टिफिकेट नंबर पेमेंट इशू ऐसे फॉर्म स्पोर्ट्स पर्सन वाला इशू है आपको तो कोई स्पोर्ट्स का क्वेश्चन भी पूछ रहा था तो ये वीडियो देख सकते हो आप ठीक है आप अगर इतनी अच्छी जॉब थी तो भैया मैंने क्यों छोड़ी तो ये वीडियो भी मैंने करा हुआ है ठीक है टी एट टी एट के अनाउंस हो गए तो दीज आर जो आपको देखने चाहिए इस वीडियो को तो आप पक्का देखिए सीक्रेट लाइफ ऑफ इंटेलिजेंस भैया बिल्कुल ये एग्जैक्ट आपको पता लग जाएगा कि काम क्या है इसमें कोई हीरो गिरी वाला एकता टाइगर बॉलीवुड ने जो कचरा बना रखा है वो नहीं रियलिस्टिक काम जो होगा आपका जिसमें आपको मजा आएगा किस तरीके से आप आई से रॉ में जा सकते हैं किस तरीके से आई से आपकी आप एस में जा सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर के पास जो पीएमओ के पास रहती है ठीक है तो बहुत अच्छे कांटेक्ट्स बन सकते हैं पॉलिटिकल कांटेक्ट्स बन सकते हैं सिक्योरिटी कांटेक्ट्स बन सकते हैं आईबी में आपके तो बहुत ही बेहतरीन नौकरी है आपको काफी मजा आएगा इसको करने में ठीक है ठीक है पेंशन के लिए आपका एनपीएस है आईबी के अंदर भी आपका एनपीएस तो चालू ही है ठीक है एनपीएस चालू है आपका ठीक है तो भैया एनपीएस से तो पेंशन आनी ही आनी है एनपीएस स्कीम न्यू पेंशन स्कीम जो है आपकी वो सारी सरकारी नौकरियों में लग गई है ठीक है तो मैं आपको एक बार मतलब दिखा देता हूं मैंने काफी सारे जो ऑलरेडी मैंने पहले भी लिए थे ये तो आपको एक बार बता देता हूं वॉट आर बेनिफिट्स ठीक है तो भैया आपके जो बेनिफिट्स हैं काफी सारे बेनिफिट्स हैं आईबी के अंदर ठीक है एक तो भैया ट्रेनिंग में तिरसठ पैसठ हजार के आसपास है पे कमीशन के बाद तिरसठ से पैसठ हजार के आसपास सैलरी हो जाएगी फिर ये एचआर मतलब ये मैंने अलग वीडियो में भी समझाया हुआ है एचआरए बेसिस आपको मिलेगा ट्वेंटी फोर और एट के हिसाब से ओके तो अगर तुम देखोगे कुछ आपकी मेट्रो सिटीज के अंदर पोस्टिंग होगी तो 80 से एट्टी टू 89,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी भैया आईबी के अंदर ठीक है अगर आप सोच रहे हो 22 साल में अगर आप आईबी में बन जाते हो तो सोचो नब्बे हजार की सैलरी कौन सी प्राइवेट जॉब के अंदर आप आप इंजीनियरिंग करके किसी नौकरी में लग जाओ ठीक है या फिर आप ग्रेजुएशन करके इतनी कहाँ मिल रही है इतनी सैलरी यार देश के जो हालात है जिस तरीके की नौकरियां कहां है एनस कहा तुम कोई आई से पास आउट हो रहे हो या आईम से कोई बहुत टॉप क्लास इंस्टीट्यूट या फिर आपकी पापा की कोई अच्छी कंपनी है बहुत मुश्किल है इतने पैसे कमाना ठीक है तो ये सारे बेनिफिट्स है उसके बाद भैया आपको जो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है एयरलाइन के अंदर ट्रैवल कंसेशन ट्रांसफर कैंटीन फैसिलिटीज़ फेस्टिवल एडवांसेज ये सब मैंने एक्सप्लेन करे हुए एक वीडियो में जिसको आप आराम से जाकर देख सकते हो ठीक है अभी के लिए तो मैं आपसे बस यही बोलूंगा कि आप ज्यादा फटाफट कोर्स में एडमिशन लीजिए ठीक है जिससे आपकी प्रिपरेशन फटाफट फड़ चले ओके डू रिमेंबर दिस फटाफट एडमिशन लो कोर्स का जो एडमिशन लिंक है वो पड़ा हुआ है कोर्स का एडमिशन लिंक पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर तो यू कैन यूज दिस लिंक टेक एडमिशन ठीक है कौन कौन से टीचर क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वहां पर है अगर आपको कोर्स पेज पे अभी सारे सब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं, सारे ऐड करे जा रहे हैं इस कोर्स को मैं लीड कर रहा हूं आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एज ए स्मॉल यू नो एज एल्डर ब्रदर टू ऑल यू गाइस सो दैट यू कैन गेट टू योर अकेडमी ओके एंड दीज आर ऑल दी प्राइजेस रेफरल कोड जरूर यूज करना संजय टू सो दैट आप प्राइज ठीक है इस पर इसको यूज करके टेन परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा ओके ठीक है तो ये सब मैं चीजें आपको बता ही चुका हूं सिव सिलेबस ट्रैक और प्रिपरेशन मॉक टेस्ट कराए जाएंगे आपको ठीक है यू कैन गेट इन टच विद दट आपको पीडीएफ मिलेंगी टोटल स्कोर रेट मिलेगा भैया आप कितनी ग्रोथ हो रही है आपको ठीक है आपकी कितनी जैसे कि यहाँ पर आपके भैया कि आपकी रैंक क्या आ रही है इन बच्चों के अंदर तो दैट इज जस्ट लाइक एन एग्जामिनेशन ना यू विल बी टेस्टेड ओके बाकी मैं आपको ऑलरेडी सब कुछ बता चुका हूं कल हम एक इस पर भी सेशन लेंगे मेडिकल के ऊपर भी एक सेशन लेंगे ठीक है ओके रॉ की वेकेंसी तो आती बहुत कम है यार रॉ की वेकेंसी तो काफी कम आती है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट निकालता है उन वैकेंसीज को ठीक है तो अब हम मिलेंगे आ, कल मिलते हैं कल भी मेरे काफी सारे सेशंस रहेंगे कल ये कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है दिस कोर्स इज स्टार्टिंग टुमारो डोंट मिस इट अदरवाइज आपको बहुत दिक्कत होगी दिस कोर्स इज स्टार्टिंग टुमारो मिशन आई बी एस टू कल ये सेवंथ जैन को एट पी स्टार्ट हो रहा है ठीक है तो डू जॉइन इट ठीक है सो गाइस थैंक यू वेरी मच टेक केयर और आई होप मैंने आपके काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया हो जो आपके काफ़ी सारे डाउट्स थे और इस सेशन के ऊपर भी मैं इस चैनल के ऊपर भी मैं बहुत सारा कंटेंट लाता रहूँगा जिससे आपको एग्जाम में हेल्प हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक इस कोर्स का लिंक सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच गाइज जय हिंद टेक केयर बाय बाय